पहले कॉलर हमारे साथ हैं सोनिका जी पटियाला से, स्वागत है आपका। सोनिका है जी, 36 साल उसकी उम्र है जी, उसकी ना यूटर्स में ना रिशोड़ी है जी, और ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है जी। जी हेलो। हाँ जी जी जी। अच्छा ये शादीशुदा है? करा दो जी। यस। उसकी यूटर्स में ना जी रिशोड़ी है जी, अरे उसके ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो गया जी, 36 साल की उम्र है जी, और दवाइयाँ बहुत खा ली जी, ऑपरेशन बोल रखे है जी। ये शादीशुदा है ना? हाँ जी, 36 साल की उम्र है जी, शादीशुदा, दो बच्चे हैं जी। तो ठीक है ठीक है। अच्छा फिक्र नहीं करें, और एक आसान नुस्खा है, और ये होता है एलोवेरा का सिरका। सिरका, एलोवेरा का सिरका ज़रा मुश्किल से मिलता है, 2 चम्मच रोज़ाना रात को पानी में मिलाकर, 1 गिलास पानी मिलाकर पिला दिया करिए, आपकी बच्ची का ठीक होना मुमकिन है जी। नेक्स्ट कॉलर है राजवती तुगलकाबाद से हमारे साथ, स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी। यादव हेलो। जी जी बताइए। मैंने ना, मेरे ना सूजन है पैरों में, कम से कम 16-17 साल होगी सूजन है, पेट भी साफ नहीं हुआ, और गैस बहुत ज्यादा बने, पेट में बहुत गर्मी बनती, और एलर्जी। तो मैंने आपके यहाँ फोन करा, तो इन्होंने मुझे उदिया और सिरका जी। हाँ लिया आपने? आपने, मैंने आपके यहाँ फोन करा कर ली। नहीं सिरका मिला आपको, इस्तेमाल करने लगी? सिरका आज ही आया, तो मैं आपको बीमारी बता रही थी, एक तो मेरे सूजन है, एक पेट साफ नहीं हुआ है, गैस बहुत ज्यादा बने है ना, ये पित्तपन तो बहुत ज्यादा, अब एलर्जी हो रही है बहुत ज्यादा। एज कितनी है आपकी? एज मेरी होगी 52-53 तो होगी डॉक्टर साहब। ठीक, तो देखिए ये सिरका 3 चम्मच रात को पानी में डालिए, 1 गिलास पानी में, ऐसे ऐसे ही मत पीना, काफ़ी तेज़ होता है, 1 गिलास 200-250 ग्राम पानी में मिला के रात को सोते समय पिया करें। देखिए पेट का सिस्टम पूरा ठीक होगा, और वर्म जिस वजह से आता है वो वजह ख़त्म होनी चाहिए, कब्ज टूट जाएगा, और आपकी ये दोनों तीनों परेशानियाँ ठीक होना मुमकिन है जी। नेक्स्ट कॉलर है मन अग्रवाल हरियाणा से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो। राम राम हकीम जी। जी जी आदाब, बताइए जी। राम राम जी। जी मैं भी आपको सलाम कर रहा हूँ। वालेकुम सलाम जी। जी बताइए। हमारी महबूबा को दिक्कत है जी, जाने मन को तकलीफ में है। क्या दिक्कत है? दिक्कत है जी इनको, एक तो सिर में दर्द बहुत होता है, दूसरा नंबर जी इनको पानी की भी दिक्कत है। सफेद पानी आता है? हाँ जी सफेद पानी की दिक्कत है, सिर में दर्द बहुत रहता है। ठीक। और उसकी वजह से खान पान, पेट के अंदर गैस बहुत बनती है जी। महाराज जी बहुत ज्यादा गैस की दिक्कत है, इतनी तकलीफ होती है गैस की, तो दिक्कत ही मत, इतना तजाब बनता है, तो महाराज जी कुछ कृपा करिए। आप उनकी, अपनी महबूबा की उम्र बता दीजिए खाली मुझे। 30 साल है जी। ठीक है। और देखिए मैं भी आपको अच्छा नुस्खा बताता हूँ, और आप खुद बनाइए, अगर वाकई आप उनके चाहते हैं तो अपने हाथ से घर में बनाना। और वो ये है कि आपको लेनी है 200 ग्राम अलसी, 200 ग्राम आंवला, 200 ग्राम सौंफ और 200 ग्राम धनिया। 200 ग्राम अलसी, 200 ग्राम आंवला, 200 ग्राम सौंफ और 200 ग्राम धनिया, और इसमें 150 ग्राम मिलाइए कलौंजी का नमक आता है, नमक कलौंजी कहते हैं, या एस्टेक कलौंजी कहते हैं, ये रसायन होता है कलौंजी का, इसमें 150 ग्राम मिलाकर, और इसको घर पर पाउडर बनाएं। कोई भी चीज़ पिसी पिसाई लाएंगे तो असरदार नहीं होगी, क्योंकि आप अपने महबूब से ताल्लुक की बात कर रहे हैं, तो घर में ही पाउडर बनाएं, और 3-4 ग्राम तकरीबन एक टाइम में दे सकते हैं। वैसे एक ही टाइम में फ़ायदा होना शुरू हो जाता है, बहुत ज़रूरी हो तो 2 बार भी, यानी एक छोटा चाय का चम्मच उन्हें
एक बार से दो बार तक पानी से जिया करें और पांच बार गर्म पानी पीने को कहें मेरी तरफ से, तो उनको फायदा होना मुमकिन है जी। नेक्स्ट कॉलर है नीलम, हरियाणा से हमारे साथ, स्वागत है नीलम जी आपका। हाँ जी नमस्कार जी। जी नमस्कार, हकीम जी से बात हो सकती है? जी नीलम जी आदाब, बताइए क्या सवाल है? प्रणाम जी। आदाब। मेरी मम्मी के बारे में पूछना है। मेरी मम्मी को है ना अस्थमा की बहुत ज्यादा परेशानी है, श्वास इतना है, साथ में बलगम बनता है, कुछ भी खा लो और सीधा चला नहीं जाता, झुके चलती है, ये 20-25 साल से परेशानी है, कफ बहुत ज्यादा बनता है। एज बता दीजिए मम्मी की। शरीर में पूरा 70 साल है जी, बहुत ज्यादा परेशान है, इतना कफ बनता है सारा दिन, पानी का चिकना चिकना, कुछ भी नहीं खा सकती है। ठीक है। अच्छा देखिए, सौंठ और अलसी आप लीजिए और अलसी को थोड़ा भून लीजिए, जैसे 300 ग्राम अलसी तो 200 ग्राम सौंठ लेनी है और अलसी को थोड़ा भून के पाउडर बनाना है और फिर ये एक चम्मच रोज़ाना इनको दिया करें। और अगर शुगर वगैरह नहीं है तो शहद में भी डाल सकते हैं, ये जितने ये वज़न है इनका इतने ही शहद में डाल दीजिए और एक चम्मच इन्हें दिया करें। बहुत ज़रूरत हो तो दो बार भी दे सकते हैं गर्म पानी से, और पांच बार गर्म पानी पिलाना है इनको। ये इनके कफ का बलगम का इलाज है। और जो ये सीधी नहीं चल पाती हैं उसके लिए गोंद आता है, गोंद स्याह, काला गोंद कहते हैं इसे, मुश्किल से मिलता है और असली ही लेना, रॉ मटेरियल लेना, पिसा पिसाया नहीं, कोई भी कितना भी कहे। और ये आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम इनको खाने के बाद बगैर चर्बी के दूध से, रईस हैं तो जूस से और गरीब हैं तो पानी से, दो बार आधा आधा ग्राम ही देना, इससे ज़्यादा खुराक नहीं दे सकते। आप देखेंगे कि इस उम्र में भी ये सीधी हो गई और इनके हाथ पैरों में एकदम तवानाई आ गई, ताकत भर गई। और ये 100-200 ग्राम खरीद के आप इन्हें आधा आधा ग्राम खिलाइए। और बहुत अच्छा लगा कि आपने इतनी बुज़ुर्ग माँ के लिए ख्याल किया, सब बच्चे ऐसे नहीं होते, और आप अपनी माँ का ऐसी ख्याल रखा करिए, भगवान आपकी बहुत मदद करेगा ज़िंदगी में, हर जगह पर आपकी मदद करेगा जी। नेक्स्ट कॉलर हैं दीवान चंद जी, पटियाला से हमारे साथ, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी नमस्कार जी आदाब। हाँ जी, हमने जी अपनी लड़की के बारे में पूछना था जी, नाम उसका सोनिका है जी, उसकी उम्र 35 साल है, उसके दो बच्चे हैं जी, उसकी यूट्रस के अंदर जो मतलब वो 8 mm की रसौली है जी, और उसको ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है जी। ठीक है। हाँ देखिए, एक सिरका आता है, अभी शायद आपके घर से फोन आया था या ये दूसरा कॉल है, ये सिरका आता है एलोवेरा का सिरका, एलोवेरा का जूस वूस तो सब पीते हैं लेकिन सिरका उससे 100 गुना फायदेमंद होता है। तो 3 चम्मच रात को पानी में, 1 गिलास पानी मिलाकर रोज़ाना बच्ची को पिलाया करें, और खूब ऊपर वाले से आप प्रार्थना भी करें, बच्ची का ठीक होना मुमकिन है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर है दिल्ली से हमारे साथ, अरुण जी स्वागत है आपका। जी नमस्कार। जी नमस्कार जी आदाब। आदाबर साहब बताइए क्या सेवा करूं? अरे अरे हम वाइफ को माजून आर केयर दे रहे हैं जी, तो क्या उनकी कुछ खांसी थोड़ा सा बढ़ा नहीं लग रहा है, हल्का बुल्का है, खांसी बढ़ावा लग रहा है, मतलब थोड़ी सी, मैं नॉर्मल थी, अंग्रेजी दवाई की थी तो हमने फिर से देना शुरू किया तो कुछ थोड़ा थोड़ा सा होने लगी है। कितने दिन से दे रहे हैं? 5 दिन से दे रहे हैं, 4-5 दिन से। अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए अभी तो उसने काम भी शुरू नहीं किया, 5-7 दिन बाद 8 दिन बाद काम शुरू करती है वो, और अभी एलोपैथिक दवा देते रहे, जब ये कंट्रोल करने लगे ये 8-10 दिन बाद थोड़ा थोड़ा फ़ायदा शुरू करती है, और जब ये कंट्रोल करने लगे तो वो फिर अपने डॉक्टर के मशवरे से कम करना, दवाई एकदम से छोड़ नहीं सकते क्योंकि काफ़ी
ऐसी मरीज हैं जिनको काफ़ी परेशानी है, तो जैसे जैसे ये कंट्रोल करें वो दवा को कम कर सकते हैं और फिर डॉक्टर के मशवरे से उसे छोड़ भी सकते हैं, लेकिन इसे कम से कम एक महीने बाद आपको कुछ फ़ायदा नज़र आएगा, तो जितना परसेंट फ़ायदा उतनी परसेंट दवा छोड़ सकते हैं, एकदम मत छोड़िए नहीं तो तकलीफ़ में आ सकती हैं। ये दीजिए, अभी तो इसने काम भी शुरू नहीं किया, 5 दिन में तो कुछ भी नहीं होता यूनानी दवा, 8 दिन 10 दिन के बाद फायदा शुरू करती है। जी प्रवीण जुड़े हैं, स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी। जी नमस्कार। आदाब। मैं नालागढ़ से बोल रही हूँ, मेरी उम्र 55 है और मुझे ज्वाइंट पेन की प्रॉब्लम है 5-6 साल से, बहुत ज्यादा एलोपैथिक दवाइयाँ खा चुकी हूँ मैं और मतलब हर उसमें जकड़न रहती है पूरी बॉडी में, हाथों में बहुत ज्यादा जकड़न रहती है, बहुत प्रॉब्लम होती है मुझे उठते हुए, जैसे नसें मेरी इकट्ठी हो जाती है, ऐसी प्रॉब्लम है मुझे। ठीक है। अच्छा देखिए, एक कच्ची दवा एक ऐसी भी है, रॉ मटेरियल जिसे कहते हैं, कि अगर उसे 100-200 ग्राम खरीद लो और उसे इस्तेमाल करना शुरू करो तो ये ख़त्म होते होते आदमी को फ़ायदा मुमकिन है, लेकिन संयम बरतना, क्योंकि 5-6 साल से जो आप तकलीफ़ उठा रहे हैं, मुझे आपसे 5-6 महीने चाहिए, क्योंकि ये आयुर्वेदिक यूनानी दवा बता रहा हूँ और वो भी रॉ मटेरियल। एक गोंद आता है जिसे गोंद स्याह कहते हैं, स्याह मतलब काला, काला गोंद कह दीजिए या गोंद स्याह, अच्छा ये रॉ मटेरियल ही लेना, यानी कच्ची दवा लेना, कोई कहे पिसावा है, कोई कहे टैबलेट है, बिल्कुल नहीं, ये आपको खुद लेना है, खुद बनाना है, इसका पाउडर बना लीजिए और इसका पाउडर बना के देखिए, ये चुटकी कहलाती है, चुटकी, ऐसी 2 चुटकी सुबह नाश्ते के बाद खाइए और 2 चुटकी रात को खाने के बाद खाइए और पानी पीजिए, बगैर चर्बी का दूध पीजिए, या आप रईस आदमी लोग हैं तो जूस भी पी सकते हैं, सबको सबसे फ़ायदा होता है, चर्बी वाला दूध मत पीना, अगर इस उम्र में चर्बी वाला दूध फ़ायदा नहीं करता। तो देखिए 8-10 दिन मुझसे कुछ मत कहना, ये 8-10 दिन के अंदर आपको फ़ायदा शुरू करेगा और ये 100-200 ग्राम ख़त्म होते होते आपकी बीमारी का खात्मा मुमकिन है। जी नेक्स्ट कॉलर है अमरेश हमारे साथ पंजाब से, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, बताइए। जी आदाब। तब मेरे को प्रॉब्लम थी, मेरा ना हाथ पैरों में खिंचाव रहता है। क्या दिक्कत है? ना मांसपेशी ऐसी नहीं, हाथ पैरों में खिंचाव रहता है, नसों में मांसपेशी में खिंचाव रहता है, ठीक है, तो पूरी बॉडी में ना दर्द रहता है। एज बता दीजिए भाई आप अपनी। 34 साल। 34 साल का। और बहुत छोटी उम्र में इतनी तकलीफ, आपको क्या करते हैं ऐसा? फैक्ट्री काम है। फैक्ट्री कोई मेहनत वेहनत करते हैं ज्यादा? मैं मेहनत नहीं करता, बैठ रहना होता है। अच्छा अच्छा, देखिए ये इस उम्र में जल्दी शुरू हो गई आपकी, कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, और देखिए एक दवा भी बता देता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि दवा नहीं बताते और हम कैसे बनाएं, हम कहाँ से मंगाएं, कैसे करें, तो एक दवा आती है कैप्सूल टी केयर, टी फॉर टाइगर, सुबह शाम खाने के बाद एक एक कैप्सूल खाएं और निश्चिंत हो जाएं। देखिए वही मैं आपसे कहूँगा, 5-8 दिन 10 दिन के बाद आपको फ़ायदा शुरू होता है, ये ओरिजिनल दवा होती है, या फिर आप गोंसिया लें और उसको इस्तेमाल करें आधा आधा ग्राम, तो फ़ायदा मुमकिन है।